अस्सलामुअलैकुम। अभी दोपहर के 4 बज रहे हैं। मैंने अभी बस अपना काम फिनिश किया ऑफिस में और बस घर की तरफ रवाना की है। और ये आप देख सकते हैं खूबसूरत मंज़र। स्नो में मैं बताते चलूँ, ड्राइव करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आपको बहुत ज़्यादा एहतियात करनी पड़ती है क्योंकि ब्लैक आइस भी होती है रोड पर, और अगर आपकी गाड़ी अनकंट्रोल हो गई तो फिर उसको फिर बहुत मुश्किल हो जाता है उसको ब्रेक लगाना या उसको कंट्रोल करना। तो खैर बहुत एहतियात करनी पड़ती है। और यह कि आप देख सकते हैं कि रोड तो क्लियर हो गए हैं, लेकिन ये कि साइडों पर अभी भी आप देख सकते हैं स्नो के पाइल लगे हुए हैं। तो बाकी ये है कि आज रात को और कल बहुत ज़बरदस्त बर्फ़ का तूफ़ान है जो कि वैंकूवर से टकराएगा, और उसमें ये कि 100% जो है अलर्ट जारी कर दिया गया है स्टॉर्म का, और ऑफिस वगैरह में भी, स्कूल्स वगैरह में भी, और अलर्ट के हवाले से बता दिया गया है स्टॉर्म के हवाले से। तो ये है कि देखते हैं कि कल क्या किस शिद्दत का तूफ़ान है। अगर मुमकिन हुआ तो इंशाल्लाह आपके लिए कुछ अच्छी फ़ोटोज़ वगैरह और ये वीडियोस वगैरह बनाएंगे इंशाल्लाह। मैं असल में ड्राइव कर रहा हूँ तो थोड़ा एहतियात करनी पड़ती है, तो बस थोड़ा सा फंबल हो जाता है। खैर ये अभी हम पहुँच गए हैं मेन स्ट्रीट पे। बहुत सारी जो रोड्स हैं मैं आपको दिखाता चलूँ। जैसे मैं इनकी बात कर रहा हूँ, सीधा तो देखें बर्फ़ का ढेर लगा हुआ है ये, यानी ये अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, और ये कुछ भी नहीं है। बहुत सारी जगह पर तो बिल्कुल भी रोड अभी तक बंद है, कोई एक्सेस ही नहीं है।